पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर दौसा के गांधी तिराहे पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष पूरण सैनी के नेतृत्व में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष पूरण सैनी ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बर्खास्त करने की मांग की और कहा कि जो सरकार देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती वह आम जनता की क्या सुरक्षा करेगी, इसलिए ऐसी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, पंजाब के कार्यक्रम के अंदर जो सुरक्षा एजेंसी है उनकी जो विफलता रही, उनकी जो कार्यशैली बेकार रही, उसके विरोध में आज हम ओबीसी मोर्चा जिला दौसा की तरफ से विरोधाभास प्रकट किया है। वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसी है आज देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती तो आम जनता की क्या सुरक्षा करेगी, इस विरोध में हमने आज हमारा विरोध प्रदर्शन किया है और इस कांग्रेस गवर्नमेंट जो हमारी राजस्थान में है उसको भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर जनता की सुरक्षा के लिए विफल है।